हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं रोब्लॉक्स और आप लोग देख सकते हो मैं और चॉप दोनों यहां पर घर के अंदर बैठ करके मजे कर रहे थे, लेकिन गाइस अब टाइम आ चुका है कि अपन दोनों यहां पर से निकले और जाए अपना डोनट फैक्ट्री में। तो गाइस इस फैक्ट्री में हम लोग यहां पर बहुत सारे टाइप के चॉकलेट्स बनाने वाले हैं और उनको बेच बेच करके अपन दोनों अमीर बनेंगे। तो चॉप क्या तू तैयार यहां पर हमारी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए? फर्स्ट भाई मैं जा रहा हूं भाई, अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, आपसे भी अमीर बनकर दिखाऊंगा। अबे तेरी फैक्ट्री कहां पर है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही है यार। फर्स्ट भाई मैं ये वाली जमीन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ये वाली खरीदना नहीं दे रहे मेरे को। फर्स्ट भाई मैं क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तेरी जमीन बहुत दूर है एक्चुअली में यहाँ से। तो काम कर, तू जा अपनी जमीन पर और अपन लोग भी यहाँ पर अपना फैक्ट्री खोलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों का ब्रेड आ चुका है एक्चुअली में अभी के लिए, और ये जो ब्रेड है ना दोस्तों, इसी ब्रेड से यहाँ पर डोनट और भी बहुत सारे टाइप के चॉकलेट्स बनने वाले हैं। तो हम लोगों को अभी के लिए यार इसी से काम चलाना पड़ेगा और इसको कलेक्ट करने पे हम लोगों को $400 कैश मिले हैं। इनको बेच करके गाइस अपन लोग कैश कमा भी सकते हैं और आप लोग देखो यार इस कैश से हम लोग यहाँ पर अपने लिए अपना एक्सपैंड कर सकते हैं पूरी की पूरी फैक्ट्री को। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर भाई साहब बारिश होते जा रही है यार, तो जल्दी से मैं काम करता हूँ, इन सारों को ना अपनी जेब में भरता हूँ और उसके बाद हम लोग नई नई चीजें यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। फर्स्ट भाई ये फर्नेस तो खरीद लो भाई, बहुत ज्यादा महंगा है लेकिन बहुत फायदेमंद है भाई। ओके तो गाइस आप लोगों ने देखा ये फर्नेस सही में बहुत ज्यादा फायदेमंद है यार, और इससे डबा डब डोनट्स निकलते जा रहे हैं और इन डोनट्स को खा करके यार हम लोग एकदम तरोताजा हो जाएंगे। और गाइस आप लोग देख सकते हो इतना पैसा निकला है भाई साहब यहाँ पर $625। वाओ गाइस अब इन पैसों को काम है सही जगह पर लगाने का। और काउंटर खरीद लूं क्या मैं? एक काम करता हूँ मैं काउंटर ही खरीद लेता हूँ। ओके तो गाइस हम लोगों ने काउंटर खरीद लिया है, एंड इट सीम्स लाइक यार काउंटर खरीदना उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं था, इससे बेटर तो यार मेरे को स्वीटनर खरीद लेना चाहिए था। फर्स्ट भाई लेकिन कोई बात नहीं यार, कभी तो कभी तो आपको खरीदना ही था, तो आपने अभी खरीद लिया और क्या। ओके तो गाइस अब टाइम है यहाँ पर स्वीटनर खरीदने का, और स्वीटनर खरीदने के लिए हम लोगों को $650 चाहिए जो कि हमारे पास हो चुके हैं। एंड ये खरीद लिया मैंने अपना स्वीटनर। यहाँ पे गाइस स्वीट्स बनेंगी और हम लोगों के जो चॉकलेट्स हैं जितने भी टाइप के हम लोग यहाँ पे स्नैक्स बनाएंगे उनके अंदर शुगर जाएगा इससे। चलो गाइस अभी टाइम है अपना सारा का सारा स्नैक्स कलेक्ट कर लेने का, एंड लेट्स गो। हम लोग के पास दोबारा से यहाँ पे $600 हो चुके हैं। इसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर अपनी वॉल खड़ी कर देता हूँ और आप लोग देख सकते हो यार इतने सारे डोनट्स आ रहे हैं। मेरे को यार किसी बंदे को यहाँ पर खरीदना होगा दोस्तों जो हम लोगों के लिए ना यहाँ पर डोनट्स को इकट्ठा कर सके, क्योंकि यार ये एक बंदे का तो काम है नहीं। गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर डोनट्स को इकट्ठा करना। और तो और गाइस यहाँ पर हम लोगों को ना बहुत सारे कैशियर्स और फर्नीचर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर हमारे रेस्टोरेंट में यहाँ पर लोग आएंगे खाना खाने के लिए तो भाई उनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना। तो गाइस आज का हमारा यही पूरा का पूरा गोल ये इस वीडियो का कि जितना हो सकता है उतना बड़ा यहाँ पर हम लोग अपना फैक्ट्री क्रिएट करें, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर आप जाकर के खा भी सकते हो, यानी कि एक रेस्टोरेंट ही बोल सकते हो गाइस। ऑलराइट तो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई 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 कितने डोनट हो गए यार। ओ माय गॉड अगर मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दूंगा तो स्नैक्स यार भर करके जमीन पर गिर जाएंगे और उसके बाद दोस्तों अगर हमारे स्नैक्स बर्बाद हो जाएंगे तो उनको इस्तेमाल करके यार अपन लोग अमीर नहीं बन पाएंगे। तो अभी जल्दी से मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो बैकयार्ड एरिया इसको भी खरीद लेते हैं और फैक्ट्री रूफ खरीदने का मेरे पास ऑलमोस्ट पैसा हो चुका है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर यार जल्दी से ना सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर लेता हूँ। चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे पैसे लाते रहो भाई साहब। $1925 हो चुके गाइस, एंड अब टाइम है यहाँ पर नई चीज खरीदने का। अबे घुसने दो भाई क्या कर रहे हो। ऑलराइट लेट्स गो, फैक्ट्री रूफ यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों, और अब हम लोगों के यार पूरे के पूरे फैक्ट्री के ऊपर एक छत है, तो यानी कि पीछे की तरफ में गाइस यहाँ पर फैक्ट्री है और आगे की तरफ में गाइस मैं अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। और भाई आप भाई साहब रुको, एक काम करता हूँ गाइस आप लोगों से ना मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, क्योंकि हम लोगों को यार अभी अभी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, है ना चॉप। फर्स्ट भाई मैंने तो अपना बड़ा बना भी लिया भाई, पता नहीं आप क्या टाइम पास कर रहे हो। ऑलराइट एवरीवन तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा मोड़ा अपग्रेड किया है, ज्यादा नहीं, लेकिन गाइस अभी टाइम है चॉप की फैक्ट्री में चलने का। और गाइस यकीन मानो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था इसकी फैक्ट्री में जाने का। और हम लोग जाने के लिए ना यहाँ पर इस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉप है गाइस, आई गेस यहाँ पर हम लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। चलो देखते क्या है। ओके तो यहाँ पर अपन लोग के पास कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन कलर बदलने का ऑप्शन दे रहा है। छोड़ो हटाओ भाई अपने को, क्या अपने को तो भाई साहब बस अंदर एक बार चेकआउट कर लेते क्या क्या चीजें है। वाओ मैन ये तो बहुत ज्यादा कूल है यार। फर्स्ट भाई लेकिन इनको खरीदने के लिए रोबक्स लगेगा भाई। ओ अबे रोबक्स नहीं है, रोबक्स नहीं है भाई, रोबक्स नहीं है, गरीब हो चुके अपन लोग, सारा रोबक्स खर्चा कर दिया मैंने पिछली वीडियोस में। व्हाट ये देखो ये बाइक अपन लोग चला सकते हैं गाइस। चलो चलो इस एटीवी का इस्तेमाल करके हम लोग चलते हैं चॉप के पास। ओ भाई कैसा है भाई साहब, थोड़ा थोड़ा भाई चॉकलेट वॉकलेट इधर भी दे दो यार, मेरे को भी अपना स्नैक्स फैक्ट्री बड़ा करने का है। फर्स्ट भाई भागो यार, चुप भागो भाई, आपके पास अपना फैक्ट्री नहीं है क्या? मेरे पास आ जाते हो भाई साहब, कहां से बूट उठा करके सड़ सा। अबे भाई ऐसे मत बोल यार, जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं भाई, देख लो गाइस बेइज्जती हो चुकी है हमारी। अब मैं वादा करता हूं भाई इससे तो बेटर फैक्ट्री बनाऊंगा यहाँ पे। ओके तो गाइस हम लोगों ने अपने पहले कैशियर को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब फाइनली ये जो लोग इतनी ज्यादा भीड़ लगा रहे
ना हमारे काउंटर के सामने इनको डोनट्स मिल पाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे शेफ भी अरेंज कर दिया है दोस्तों, जो हमारे लिए डोनट्स यहाँ पर एक एक करके खरीद रहा है, आई मीन उठा रहा है। और हेलो सर, हेलो कैसे हो, हमारे हमारे रेस्टोरेंट को प्लीज 5-स्टार रेटिंग जरूर से देना। एक काम करता हूँ, मैं भी इसका मदद करता हूँ, बेचारा अकेले कितना उठाएगा यार, वो भाई पैसे की बारिश हो रही है। तो गाइज ये था हमारा एक छोटा सा अपडेट, अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ जब हम लोगों का यार फर्स्ट फ्लोर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। ऑलराइट, तो गाइज ये देखिए हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो काम है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ ही चीजें बची है। ये देखो यहाँ पर हम लोग खरीद रहे हैं अपना 4-सीटर सिटिंग एरिया, और वो भाई क्या लग रहा है ना गाइज, मैंने बोला था ना कि हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर यार जब कंप्लीट होने वाला होगा तो एकदम बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा। और अभी यार हम लोगों का पूरा फैक्ट्री एकदम स्मूथली रन कर रहा है, और यहाँ पर कस्टमर्स के लिए बाहर में भी बैठने की बहुत ज्यादा जगह कर बना दी है दोस्तों। और ये देखो मैं यहाँ पर से ऊपर भी चढ़ सकता हूँ, और ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा हम लोगों का पूरा यहाँ पर असेंबली लाइन। और यहाँ पर से मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या, अबे प्लीज चढ़ने दे दे भाई यहाँ पे, अरे 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 टकला फूट गया भैंस की टाट, नहीं चढ़ पाऊंगा दोस्तों, यहाँ से इन लोगों ने रास्ता ही नहीं बनाया। अगर आपको चढ़ना है तो यहाँ पर से आपको आना होगा, और ये भी कुछ ही देर के लिए, क्योंकि कुछ देर में मैं छत डाल दूंगा, यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं है छत बनाने के। और उसके बाद दोस्तों जब हमारा सेकंड फ्लोर हो जाएगा ना, उसके बाद तो कोई भी हमारे छत में नहीं घुस पाएगा। और गाइस यहाँ पर मैं लेजर डोर्स भी लगवाने वाला हूँ, और तो और पीछे में हम लोगों की गैराज एरिया भी है भाई, जिसका इस्तेमाल करके अपन लोग अपनी गाड़ी घुमा सकते हैं। तो या बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है गाइस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अभी के लिए फिलहाल मैं काम पे वापस जाता हूँ। यो व्हाट्स अप गाइस, हम लोगों का पूरा फैक्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और या चॉप आ जा भाई, बैठ मेरे साथ बैठ, कैसा लग रहा है तेरे को? भाई बहुत मजा आ रहा है, लेजर डोर तो हटाए नहीं भाई आपने, अरे हाँ मैं भूल गया था। सो गाइस ये थी हमारी लेजर डोर, बेचारा चॉप इसी में लग के मर गया, अब उसका इंतजार करना पड़ेगा। अबे जल्दी आ भाई, कितना टाइम लगाएगा? फ्रॉस्ट भाई 2 मिनट यार, बच्चे की जान लोगों, क्या मैं भी आपसे काफी दूरी रहता हूँ फ्रॉस्ट भाई वैसे। ओके ओके आजा आराम से आजा भाई, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये देखो दोस्तों ये है हमारा पूरा का पूरा लाउंज एरिया, लेकिन अगर ये मिस्टर चॉप का बच्चा जल्दी पहुंच जाता तो मैं आपको टूर दे पाता। आजा भाई आ गया, हाँ बस पार्क कर दे ऐसे ही, बहुत बढ़िया। ऑलराइट तो ये देखो अब आओ एंट्रेंस में, और एंट्रेंस से घुसते के साथ तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा लेजर डोर, जिसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फुल लाइटिंग, ट्रॉफीज, इंटीरियर डेकोरेशन, 3-3 कैशियर, 2-2 शेफ, मतलब जस्ट नेम इट एंड वी हैव गॉट इट। पूरा का पूरा डोनट असेंबली लाइन यहाँ पे फटाफट डोनट पे दे रहा है, और हमारे यहाँ पर जो शेफ्स है वो फटाफट उनको कलेक्ट कर रहे हैं। और गाइज ये है जो अलग अलग हम लोग फ्लेवर्स में यहाँ पर चॉकलेट सेल करते हैं, देख सकते हो स्माइली फ्लेवर भी है, तो फटाफट से इसको खरीद लेता हूँ मैं यहाँ पर। और हमारे पास ऑलमोस्ट हर टाइप के हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, अपन लोग यहाँ पर यार अभी काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट होगा जल्दी। और ये देखो ये हमारा स्टाफ ओनली एरिया, इधर आजा चॉप, फर्स्ट भाई ये फैक्ट्री है भाई, अबे इधर आना, ये देख गैराज है मेरा। गाइस ये देखो गैराज के अंदर ना, एक्चुअली रुको मैं 2-3 चीज खरीद लेता हूँ। ये देखो हमारा गैराज भी कंप्लीट हो गया है, ये है हमारी डोनट वाली कार वैसे, और इसको जब चाहो ना मैं, अबे स्पॉन करने के लिए रूम ही नहीं है यार। ऑलराइट तो चॉप एक काम कर, तू बाहर जा, उसके बाद हम लोग ट्राई करते, क्या पता हो जाए। यस अब हो जाना चाहिए, ओ भाई। तो ये देखो ये रही हमारी लाल कलर की एकदम चमचमाती हुई डोनट कार, और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चलती कैसी है। इसके पीछे फ्रॉस्टी भाव भी लिखवा दिया है मैंने, ताकि सबको पता चल जाए, अगर मेरी गाड़ी कभी चोरी हो ना तो पुलिस को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए। और हट भाई मेरी गाड़ी, मेरे को तो चलाने दे। फ्रॉस्ट भाई दिखाओ भाई कितनी तेज जाती है ये, ओ हवा से बातें करती है, देख रहा है तू? गाइस यहाँ पर पीछे में बहुत ज्यादा एरिया है अपनी गाड़ी दौड़ाने के लिए, और हम लोग को जब भी बोर मारता है ना अंदर यार इधर फैक्ट्री में, तो मैं आ जाता हूँ अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पर टाइम पास करने। और ये रहा हमारा मेन एरिया गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अपग्रेड किया है, मतलब यार जस्ट आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितने पैसे बर्बाद किए मैंने यहाँ पर। लेकिन भाई हर टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर फर्नेस लगा दिया है, और हम लोगों ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, आप लोग देख सकते हो, यानी कि हर चीज भाई सुपर फास्ट स्पीड पे हो रहा है, मतलब इतना तेज हो रहा है ना गाइस कि कभी कभार मैं ही पीछे छूट जाता हूँ। और यहाँ पर अभी भी हम लोगों को स्पैंडेड स्ट्रीमर खरीदने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं अभी ये नहीं खरीदूंगा यार, क्योंकि हम लोगों को फालतू का टाइम वेस्ट होगा, और मेरे को नहीं लगता है गाइस अभी इस पॉइंट पर अपन लोग को उसको खरीदने की जरूरत भी है, क्योंकि मैंने 90% ऑफ द चीजें अनलॉक कर ली है। तो चलो मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाता हूँ। फर्स्ट भाई ये क्या है भाई? अबे यहाँ पर बैठ सकते हैं भाई, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर आप आराम से आओ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करो हमारे फैक्ट्री के अंदर। आपको अगर टूर लेना है तो आप टूर भी ले सकते हो, हम लोग टूर वगैरह भी देते हैं यार, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हम लोग रेस्टोरेंट यहाँ पर खोल करके चला रहे गाइस। और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट। तो अबे अबे तू किधर घुस गया? फर्स्ट भाई ये तो गर्ल्स बाथरूम है भाई, मैं उधर कैसे घुस गया? अबे बोर्ड देख के जाना, ये रहा गाइस गर्ल्स बाथरूम, और वो वाला मेंस बाथरूम था। अब टाइम है यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे लेकर के चलने का। फर्स्ट भाई सेकंड फ्लोर भी बना लिया आपने, कैसा है भाई? ओ माय गॉड ये तो बहुत मस्त लग रहा है फर्स्ट भाई, ये तो बहुत रंग बिरंगा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट भाई? अबे ये बर्थडे एरिया है ब्रो, यहाँ पर जिसका भी बर्थडे रहता है ना वो लोग यहाँ पर बैठते हैं, और अगर हमारे किसी स्पेशल कस्टमर की शादी वगैरह हुई तब भी हम लोग यहाँ पर ही बैठ करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग देख सकते हो दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट बनाया है यार, मतलब कि जितने भी कस्टमर्स अभी तक हमारे पास
आए हैं उन्होंने हमें 10 में से 11 स्टार की रेटिंग दी है। फर्स्ट भाई यार आपके ओनर वाले दरवाजे में घुसने की कोशिश कर रहा था, मर गया भाई मैं। क्या बात कर रहे हो, सच्ची में मर गया क्या? फर्स्ट भाई सच बोल रहा हूँ, कितना सिक्योरिटी लगा कर रखा है भाई आपने फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री है भाई बैंक नहीं है। अबे यार तू जानता नहीं है कितने सारे लोग यार अंदर आकर के हमारी रेसिपीज को चुरा लेते, तो गाइस सिक्योरिटी के लिए इतना करना पड़ता है ठीक है। ऑलराइट तो गाइस ये रहा हमारा ओनर रूम जिसके अंदर चॉप नहीं आ पा रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर से ना हम लोग अपने पूरे के पूरे फैक्ट्री का कलर बदल सकते हैं। चॉप बाहर से देखिए तो कलर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या तेरे को? फर्स्ट भाई पूरा का पूरा आपने ब्लू बना दिया भाई। ओ यस, ये देखो गाइस फ्लोर नंबर 2 पे भी पूरा का पूरा ब्लू हो चुका है, और एक्चुअली ब्लू ना काफी ज्यादा बढ़िया कलर है तो इसलिए हम लोगों ने ये यहाँ पर चूज किया। ये देखो भाई लग रहा है ना एकदम यूनिक। तो गाइस इसको कहते हैं हम लोगों का फुल्ली डेकोरेटेड फैक्ट्री। और ये रहा हमारा वर्क स्टेशन, यहाँ पर से मैं इंप्लॉइज को कमांड करता हूँ, सीसीटीवी कैमरा वगैरह मॉनिटर करते हैं, और हम लोगों ने ऊपर में डोनट का स्टैचू भी लगवाया हुआ है गाइस जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर एक्चुअली हम लोग एक वेपन्स रूम खरीद सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों को पिस्टल और गन्स, उसके बाद समुराई कटाना ये सब मिलेगा, लेकिन मेरे को लगता है गाइस वो पॉइंटलेस है क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ पर स्नैक्स फैक्ट्री खोलने आए हैं, WWE थोड़ी करने आए हैं। यहाँ पर गाइस हम लोगों को हथियारों का जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसमें वापस जाकर सारे के सारे हथियार खरीदूं तो आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हो इस वीडियो पे फटाफट से 50,000 लाइक्स करके, उसके बाद हम लोग सारे के सारे वेपन्स ट्राई करेंगे और देखिए क्या चॉप की फैक्ट्री में घुस करके हम लोग उसको मार सकते हैं। वेल दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वन। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उस जो बेल आइकन को है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।